और आइए बात करते हैं सुशासन बाबू के पुलिस के गुंडा राज की, जिसकी एक बेहद ही शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। आरोप है कि पटना में पुलिस ने एक दलित बच्चे को इसीलिए जेल भेज दिया क्योंकि उसने पुलिस वाले को मुफ्त में सब्जी देने से इनकार कर दिया था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, इस युवा ने मुफ्त में सब्जी देने से इनकार कर दिया था पुलिस वाले को, इसीलिए इसे जेल भेज दिया गया, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। परिवार के मुताबिक पुलिसकर्मियों ने साजिश के तहत उनके बेटे को डकैती के केस में जेल भेजा है। ये पूरा मामला अगमकुआं थाने का है और घटना इसी साल मार्च की है। पीड़ित बच्चा पिछले 3 महीने से बेऊर जेल में बंद है। पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मियों ने एफआईआर में उनके बेटे की उम्र को ज्यादा बता दिया है, 18 साल उम्र बताई गई है, जबकि जो सच्चाई है वो बिल्कुल इसके इतर है और उनका बेटा नाबालिग है। पीड़ित पिता का दावा है कि उनके बेटे की उम्र महज 14 साल है, लेकिन पुलिस ने एफआईआर में उसको बालिग दिखाया है और इसी वजह से वो बेऊर जेल में 3 महीने से डकैती के आरोप में सजा काट रहा है। मेरा बच्चा सब्जी बेचने का काम करता था, मेरे साथ रहता था और सब्जी बेचने का काम करता था और पूरी जो है उसके साथ डेली के नियम बना लिया था, जो फ्री में सब्जी ले जाता था। मेरा बच्चा जो है सब्जी देना बंद कर दिया, जिसका जिसके कारण जो है मेरा बच्चा को घर से ले जा करके फर्जी मुकदमा में जो है अगमकुआं थाना और बाईपास थाना दोनों मिल करके मुकदमा में फंसा दिया। मेरा बच्चा जो है 14 बरस का है। तो बड़ा आरोप पिता लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले मुफ्त में रोज सब्जी ले जाया करते थे पुलिस वाले, लेकिन जब मना कर दिया मेरे बेटे ने, उसके बाद मेरे बेटे को घर से उठा करके सीधा जेल में पहुंचा दिया गया, वो भी झूठे आरोप में फंसा करके। विवाद बढ़ने के बाद बिहार सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि सीएम नीतीश कुमार ने पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के चित्रगुप्त नगर के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी जांच करेंगे इस मामले की, जिसकी रिपोर्ट 2 दिनों के भीतर ही देनी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। पहले जांच होगी और फिर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।